लट्ठी भाला भाला असल लेके दे, तेल मालिश होगा, जाना आदमी मालिश कराना। तो अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों सुन तो लो, बॉडी फिट होगी कि ये लोग लाठी डंडा लेकर देश में कहते हैं कि पहले कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ, हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए और सारे विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर बुला लिए। और कुछ बोलोगे बताइए? दूरबीन तुम भी लगा रखे हो क्या अमित शाह वाला, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हो कि मंचे पर जो किसान का हत्यारा है नहीं दिख रहा। देखिए ये लोग चोर उचक्के हैं, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। सबसे पहले वो उसी परमहंस की बात कर रहे हैं ना, जो जल समाधि लेने की बात कह रहा था। वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था, उसे पूछिए तो सही। वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था, उसको तो अपने खुद नहीं पता है। वो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, ये चोर उचक्के हैं, ये कालनेमी और रावण की नाजायज औलादे हैं जो देश में नफरत का जहर उगलते हैं। एक बात बताइए, ये कितने मंदिरों में बैठकर क्यों नहीं वो जल का वितरण कर रहे होते गर्मी में सड़क किनारे, कि जिनको जल पिलाते उनसे कहते बोलो जय श्री राम, लोग जय श्री राम बोलता भी और पानी भी पीता। ये लोग मुफ्त के खाने वाले लोग हैं, ये लोग भगवा के आर में डकैती करने वाले लोग हैं, और ये लोग एक कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए देश में अमन भाईचारा को ख़त्म करते हैं, और ये नफरती चिंटू हैं, जहर उगलते हैं सत्ता के संरक्षण में। तो आप अयोध्या के साधु को इस तरह से आप बोलेंगे? अरे भैया सुनो, पहले बात लबराई मत करो ज़्यादा। अगर एक बात बताओ, अयोध्या के मंदिर में काला कोबरा घुस जाएगा तो उसको सांप नहीं कहोगे, क्या कहोगे? तो सांप है। अरे भैया तो कहाँ है ये, क्या है ये बताओ ना पुजारी। अरे भैया अरे सुना पुजारी, रामायण देखा है कि भाजपा आईटी सेल के खाली कार्यालय मुजरा गाने के लिए देखा है कि उसी की भाषा समझेगा? रामायण देखा है, रामायण में साफ साफ ये सिखाया गया है कि कालनेमी कौन था, रावण कौन था, ये वही कौन है? है? वो साधु कौन से है? पूछे नहीं, मुंह से बोला था कि पछवारे से बोला था, जल समाधि ले रहा था। सुनिए पहले बात, ये लोग साधु कौन होता है समझिए, साधु और असाधु में फर्क रामायण में साफ वर्णित है, आप समझिए। अगर ये साधु के अनुरूप काम करता, साधु का मतलब है न जिसका कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन, साधु सबको समान नजर से देखता है वो साधु होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो साधु होता है, ना कि अपने ही देश में संविधान की धज्जी उड़ाने सपना में उसको दिख रहा है कि ईंट में हिंदुओं का ईंट है तो मुसलमानों का ईंट है, पता नहीं अपने किसके हैं इसका नहीं पता है। जैसे गाय को भैंस को बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं तो वो अमृत जैसा दूध देती है, लेकिन उसी सांप को जो अमृत जैसा दूध पिलाने के बावजूद सांप डसना नहीं छोड़ती है, देखिए आनुवंशिक लक्षण है। ये लोग सावरकर और गोडसे के लोग, ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग आज भी ये देश को कमजोर करने में लगे हैं। देश हित में होगा, देश हित में होगा, वहाँ मरीजों का इलाज होगा, वहाँ बच्चों को शिक्षा मिलेगा, मिलेगा क्या होगा? आप जैसे विरोधी उनका इलाज होगा वहाँ। सुनो, वहाँ तेल मालिश होगा, वहाँ लाठी भाला भाला असल लेके दे, तेल मालिश होगा, जाना आप भी मालिश कराना। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों सुन तो लो, बॉडी फिट होगी, एक्सरसाइज फिट रहेंगे लोग। अच्छा हो गया, कौन मालिश? अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, तेल मालिश वाले चट्टी मोमबत्ती वालों से, कि ये लोग लाठी डंडा लेकर देश में कहते हैं कि पहले कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ, हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए और सारे विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर बुला लिए, एलओसी पर चाइना ने टावर बना लिए, गांव बसा लिए, सब नहीं जा रहे। मतलब बुरा भला कह रहे हैं, आरएसएस से निकले प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। सुन तो लो यार, इस बात का प्रमाण ये नहीं होता कि रावण राजा हो गया तो वो राक्षस नहीं है, समझो। कौरव और कंस राजा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आप कहोगे कि नहीं जी ये दुष्ट नहीं था, दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। प्रधानमंत्री दुष्ट है? आप, मैं क्या कह रहा हूँ आप सुना नहीं, प्रधानमंत्री ने, अरे सुनो, अरे सुना ना लाए फिर लबराई, आपको मैं क्या बोला, अभी इतिहास में काले अक्षरों में प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा भारत को गर्त में ढकेलने के लिए। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका था, उस भारत को पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे लाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम इतिहास के
पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ जो खुद मशरूम की सब्जी खाता था, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा जूट पर जूट बोलकर देश को गर्त में ढकेल देता। मीडिया कह रही है बिजगुरु बनने वाले मोदी जी, बिजगुरु नेता, देखिए 3 साल में हिंदू देख रही है। ये तो आप मीडिया के लोगों का भला हो जो रामायण के समय आप लोग नहीं थे, नहीं तो सोने की लंका देखकर आप लोग उसी में सोने की बंटवारा में लग जाते और लंका फतह भी नहीं हो पाता। जो मात सीता का अपहरण हुआ था उनको छुरा भी नहीं पाते रामचंद्र जी। संजोग की बात है। अरे सुनिए सीताराम बोलिए, नरेंद्र मोदी से सीताराम बोलवा दीजिएगा, जसोदा बेन के नाम याद आ जाएगा। भाजपा के नेताओं से बुलवाइएगा, उनकी मम्मी जो जसोदा बेन जो बेचारी न कुमारी रही न सुहागन रही न विधवा रही, छठी रात का दूध याद आ जाएगा आप लोगों को। आपको जैसे राम से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? किसको? आपको बेशरम हो क्या है? अरे हम तो उस धरती के हैं जहाँ सभी भगवानों का जन्म हुआ। हमारे यहाँ सर्व धर्म संभाव की बात की जाती है। सीताराम बोलने में दिक्कत है? अरे बगैर नारी का है। सुनो पहले बात, सीताराम बोलो, बोलो सीताराम, बगैर सीता के राम अधूरे। कौन छोड़ दिया था? बेशर्मो, भाजपा के दलालों हफसियों कुत्तों से भी गए गुजरे हो, शर्म नहीं आता? नारी सर्वत्र पूजते, नारी के बगैर हिंदू धर्म अधूरा है। यह कहाँ नहीं पूजा जाता? तुम तो रेप करते हो। अरे सुनो, ये लोग भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ये लोग कालनेमी रावण के लोग हैं जो नारियों का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म में असली हिंदू है सबसे सम्मानित, हमारे जब से हम सत्ता में है तब से सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं होती जा रही है देश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं हैं और आप कह रहे हैं सबसे बेइज्जती हो रहा है उनके साथ, रेप हो रहा है, कहां हो रहा है? हो गया, और कुछ बोलोगे? बताइए आप। दूरबीन तुम भी लगा रखे हो क्या अमित शाह वाला? ऐसे ऐसे हिलाते रहते हो कि मंच पर जो किसान का हत्यारा है नहीं दिख रहा है, गहना पहनकर 12 बजे रात में सुनो बोले बात। हाथरस की घटना के बाद कई घटनाएं हुई, आपको नहीं दिया? अभी ललितपुर की घटना नहीं दिखाई दे रही है चंदौली की, कि तिलक लगाकर करोड़ों थाना अध्यक्ष ने पूरा देश में करोड़ों भगवान है फिर भी देश हो रहा। भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्म नहीं करो? आप सुनो, भगवान कह रहे हैं कि रेप कर लो, रोक तो लगाए कम से कम। कौन? भगवान। इसका मतलब आपको पता नहीं है कि भगवान कहते क्या हैं, भगवान किसको कहते हैं? जब आपको यही नहीं पता है। अरे सुनो पहले बात, कहते हैं भगवान के बारे में पत्ता भी नहीं हिलता। कौन बोला? यही बताया जा रहा है। अरे सुन तो लो पहले, यही बताते हैं। कौन से पंडित जी? अरे यही जितने मोदी जी हैं, मोदी जी। किसको कहते हो पंडित जी? जो टीका लगाते हैं। बस हो गया, जो शर्मा लगाते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा वही ब्राह्मण होगा, समझिए। जिनके आप समझ, आप ये तो है नहीं कि आप नहीं है। अरे सुन, अजय मिश्रा कौन कहोगे मैं ब्राह्मण हूँ? मैं तो भगवान शिव के मंत्र में विश्वास करता हूँ। सुन तो लो, ब्रह्मांड का ज्ञान है। अरे सुन तो लो, रावण भी ब्राह्मण था ना, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन जब वो दुष्ट काम किया तो असुर कहलाया। आपको यही ये इस काम के लिए अलग से एक डिबेट करनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। भगवान विष्णु के ही अवतार गौतम बुद्ध भी कहलाते हैं, तो आप बुद्ध की बात को क्यों नहीं मानते? कौन कह रहा है गौतम बुद्ध विष्णु का? राष्ट्रीय जोकर, जोकर को राष्ट्रीय जोकर जो आईटीटीसी में चेयरमैन बना, फर्जी डॉक्टर जो एनजीसी में स्टूडेंट डायरेक्टर बना, संबित पात्रा हाँ, आप ही का भाई बोला था। आप जाइए बोलिए भैया तैते बोले थे, ए भैया इतनी बात कत्ता मिला था ना। गोबर कोहिनूर से महंगा है, हाँ मान जाएंगे उनकी बात। गोबर है तो कोहिनूर है ना, गोबरे से ना निकला है गोबर पात्रा। आप क्या समझते हैं भाजपा के कोहिनूर है ना जो निकाला गया है? लोग कहते हो तो झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलते हैं संबित पात्रा। अहें, और राजा हरिश्चंद की छठी औलाद है, ऐसे कैसे झूठ बोल देगा? छठी औलाद तो हम थी हरिश्चंद की, बार बार कहते हैं। हाँ, तो यही लोग तो हैं जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं। अच्छा। गाय के बच्चे को यह पता है, अगर पता होता कि कोहिनूर निकलता है तो गोबर ना खाती गाय के बच्चे? वो कायलर मूत्र नहीं पी रहा है, समझिए, दूध क्यों पी रहा है? जब गाय के बच्चे को पता है और ऐसे ऐसे कौन ये काम कीजिए। आप अपने भैया से बोलिएगा राष्ट्रीय जोकर से, कभी डिबेट हो बैठे डिबेट। हाँ हाँ, अरे अकेले आमना में रगड़ देंगे। आप लोग जिसकी दलाली खाते हैं उनसे बोलिएगा, पता चलेगा। ये जो बंद कमरे में सारे मैजिक दिखाते हैं ना, ये मैजिक तीन तसिया वाला खेल, इधर इधर उधर वाला काम मत कीजिए, सब आराम से अभी देश में चलाइए। वैसे आप लोग इतना बोलते हैं सरकार के खिलाफ, पर कोई फायदा नहीं होता, जीत फिर भी जाती है सरकार। क्या वजह रही होगी? 20 लाख EVM कहाँ है आपके घर पर है?
या किसी बचपन नेता के घर पर है, चुनाव आयोग है। अरे अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं तो ईवीएम की गलती है, अगर हारते हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या खाते हो? फिर वही बात पूछ रहा हूँ मैं, नहीं पूछ रहा। चुनाव आयोग से 20 लाख ईवीएम गायब हैं, वो ईवीएम कहाँ है ये बता दो, 20 लाख ईवीएम है कहाँ? आप ढूंढो ना, आप विपक्ष में, आपकी जिम्मेदारी है ये। ओ, आम जनता की बचाना, अरे तो आम जनता का काम है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी से आपकी अच्छी बनती है, आप बोलिए राहुल गांधी। नहीं, हमारी किसी से नहीं बनती है ना बिगड़ती है। सवाल ये है, मैं किसी पार्टी से हूँ? अगर हूँ तो बता दो आप। मैं तो किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। जनहित में हम काम करते हैं, लेकिन आम जनता को भी सड़कों पर निकलना होगा।